हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप और आपकी फैमिली सुपर्ब होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम उठ चुके हैं और आज जो हमारे घर में होने वाला है, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही बड़ा हादसा होते होते बच गया है। तो आज हमारा पूरा घर पूरा फैला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर की सीलिंग जो है उसमें हमारा पूरा क्रैक हो गया, और क्रैक जो इतना डेंजरस हो गया। इसके पहले ही थोड़े दिन पहले मेरे भाई के घर में भी यही हालत हुई थी, तो उसकी वजह से पूरी छत नीचे गिर गई थी। ये अच्छा हुआ कि उस वक्त बेडरूम में कोई नहीं था। तो हमारे साथ भी यही हुआ, तो हमने हमारे घर के ओनर को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कभी भी हो सकता है। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा है और घर का काम हम सब करा रहे वाले हैं। तो ये भी आपको ब्लॉग देखूंगा कि बहुत सारी चीज़ होती है, हम सोचते हैं कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अचानक कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ये ब्लॉग को भी देखिएगा और ध्यान रखिएगा अपने घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम, जैसे ऐसे ये जो देख रहे हैं आप एग्जैक्टली ऊपर, ऐसा कभी क्रैक व्रैक आ जाए तो इमीडिएटली काम करा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। मैं अपने भाई का वीडियो भी आपको शेयर करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या हो सकता है ज़िंदगी में। तो प्लीज़ ये ब्लॉग पूरा देखिएगा और जाइएगा मत। ये वही घर है जो थोड़े दिन पहले मेरे भाई का गिर गया था, जो मैं आपको अभी बता रहा था। देखिए, पूरा ही ऊपर का फ्लोर नीचे गिर गया। तो अभी स्टार्ट हुआ है हमारे वॉशरूम का काम। वॉशरूम में भी यही सारा बहुत तामझाम था कि पूरा वो गिर रहा है, इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ क्या क्या और करने वाला है। काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ शहजान सो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ का करा ही लेते हैं। ये सीलिंग भी हमारी यहाँ से क्रैक हो रही है, घर का काम चल रहा है इधर से, ये रह गया और आगे भी है हमारा, यहाँ ये होना है। ये जो देख रहे हैं आप सीलिंग, बड़ा सा क्रैक, ऐसे भी आज ठीक करा ही देंगे। देखिए कितना बड़ा सा समय है, ये बहुत बड़ा टेंशन है। जैसे कि हमने अभी देखा है, हमारा काम चल रहा है पीछे, और ये देखो पूरा सी हमारी सीलिंग का जो पीओपी है वो पूरा टूट चुका है। तो अच्छा हुआ टाइम पे हमने काम करा लिया, कभी भी कुछ हादसा हो सकता था। पूरा ही, हाँ पूरा निकाल दे, पूरा ही निकल रहा है, देखो पूरा सिर्फ अटका हुआ है, वो कभी भी गिर सकता था वो, है ना अख्तर? पूरा अटका हुआ है, देखिए इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है इसका। जितना निकालते जा रहा उतना निकलते जा रहा है, देखिए वहां कोने तक पहुंच गया वो। अच्छा हुआ टाइम पे करवा लिए, कभी भी गिर सकता था ये। जैसे थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं तो पूरा ही निकलते जा रहा है, देखिए इधर रख दे, इधर रख देना, ऊपर रख देना बाबू, इधर रख दे, यहाँ रख दे, अरे तो इजी हो जाए निकालने में। पीओपी का हिस्सा पूरा यूं ही निकल जा रहा है, निकल। क्यों डर लग रहा है तेरे को? एसी में चला है। नहीं एसी में नहीं जाएगा, तू निकाल, जितना निकल रहा उतना तू निकाल लेता, पूरा ही निकल रहा है, नहीं निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तू निकाल जितना इधर तक निकला रहता है, तो इसी में कुछ नहीं होगा। पूरा छोड़ ही है ना वो पी ओ पी का उतना हिस्सा, एसी के पास जा रहा है, निकाल बिंदास, हाँ निकाल, जितना निकले उतना निकाल दे खींच के। हाँ सीलिंग पूरी गिर गई, देखिए कितना नुकसान हो गया है, पूरी सीलिंग गिर गई। यस, तो बेडरूम में हो रहा है काम और देखते हैं हाशमीन हमारे लिए लंच में क्या बना रही हैं। हाशमीन क्या बन रहा है आज? काम चल रहा है तो नॉर्मल ही, दाल चावल और भाजी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत बड़े एक उससे बच गए। कभी अगर सोने में अगर हम सो रहे होते और गिर जाता तो क्या होता?
अल्लाह का शुक्र है कि पता चल गया और फिर हमने काम करवाया। कुछ बोलना चाहोगी? आप सब कैसे हैं? मेरा एक डायलॉग फिक्स है। तो क्या करें, आज का दिन पूरा ऐसे ही जाने वाला है। या मम्मी कर रही है काम और सुम्मो कर रही है, देख रही है कार्टून। आज का पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है, पूरा घर फैला हुआ। देखिए टीवी यहाँ रखा हुआ है, यहाँ सब पूरा फैला हुआ है, पूरा पूरा फैला हुआ है। मम्मी कर रही है काम। ये मेरे बेटे को बोमिल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बनाने के लिए बोली मैं लाओ, मैं साफ कर दूँ। बहू बनाएगी और वो खाएगा। मम्मी मेरे लिए बना रही है ठेसा, तो ठेसा खाएंगे। मुझे ठेसा बहुत पसंद है। और जब वो काम करा रहे थे तो मैंने बोला कि ये भी करा लेता हूँ फिलहाल सेफ्टी में, क्योंकि ये भी गिर रहा था नीचे से। क्या बन रही है? बोमिल की सूखी चटनी। बोमिल की सूखी चटनी, क्या बोल रहे हो? बोमिल की सूखी चटनी और मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अच्छा, और मेरा बेटा है ना छोटा, अभी आपके सामने आने वाली है मेरी सुंदर परी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आपकी फैमिली भी ठीक होंगी? तो आज हमारे घर में करम होने वाला है, तो हम पूरा ब्लॉग आपको कवर करके दिखाएंगे, पूरा कवर करके दिखाएंगे। चलो आगे देखते हैं। प्लीज प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमारे भी दुआ करिए। ये कर रहा है ताहिर, पता नहीं क्या कर रहा है। और नाजिम का नया फोन आ चुका है, पर वो ज्यादा अभी बताएगा नहीं आपको कब होगा, कब क्या होगा। आज हमारे घर पे कलर का भी काम चालू हो रहा है और हमारी पानी की टाकी भी चेंज हो रही है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। सबका तो ब्लॉग बनाया लेकिन शहजान का ब्लॉग नहीं बना। शहजान कहाँ थे आप? मैं नीचे खेल रहा था। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त लग रहा है, अभी कलर करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये घर। चोर निकल के कहाँ भागा? अपने घर पे, अपने घर पे, शादी वाले घर पे, शादी वाले घर पे। ये तो पापा की ट्रॉफी है, ट्रॉफी ये कहीं से मिला था मुझे। किस किसने दिया है? सरोज जी। सरोज जी कौन है बेटा? सरोज जी कौन है? बाजू में, बाजू में। सरोज जी कौन है बच्चा? हाँ, एक माँ ये है और एक माँ ये है। I miss you, Ma. दुआ करो अल्लाह ताला सबका एक एक घर हो। आमीन। जिनके रहने का ठिकाना नहीं है उनका ठिकाना हो जाए। आमीन। अल्लाह ताला एक घर हमारा ऐसा हो रहने के लायक जो मेरे बच्चे सब आराम से रह सके। आमीन। और अल्लाह ताला सबका एक एक घर हो, जितने मेरे रिश्तेदार हैं उनके रहने का ठिकाना वो भी इस दुनिया में है, जो परेशान है सबके पास अल्लाह ताला उनका एक घर हो। आमीन। जैसे कि मेरी मम्मी ने आज प्रे की है, तो अल्लाह हम सब की दुआ कबूल अता फरमाता है। अगर दिल से दुआ करो तो कोई चीज दूर नहीं होती, सब आसान होती है इंशाल्लाह। आज हमारे पास घर नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो हमारा जो घर रेनोवेशन हो रहा है ये रेंट पे हम लोग, लेकिन आप लोग की दुआ चाहिए मुझे कि जल्दी से जल्दी मैं खूब तरक्की करूँ और खूब नाम रोशन करूँ और जल्दी से जल्दी एक अपना छोटा सी आशियाना लो घर में। अल्लाह एक साइकिल दे, साइकिल तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। नाज़िम के लिए दुआ करो वो चलने लग जाए। आमीन आमीन आमीन।
आमीन। यस वेलकम बैक। तो आज हमने बुलाया है हमारे घर ताहिर भाई को। ताहिर हमारे भाई हैं और ये लगा ताम झाम, फुल घर का कलर होने वाला है आज। तो कुछ नया डिजाइन सोच रहे हैं। हाशमीन कुछ सोच रही है? हाशमीन क्या सोच रही हो? इसको कलर बताना पड़ता है। ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा भाई। हालत देखो भाई की, परेशान करती हूँ उतना ये मुझे परेशान करता है। मम्मी नमाज पढ़ रहे हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी हमने देखा नहीं था। तो अब बहुत पूरा घर फैला हुआ है तो ये ब्लॉक भी मैं डालने वाला हूँ जल्दी। मेहनत लग रही है, क्या करूँ। आज का हमारा थर्ड डे है, तीसरा दिन हो गया आज। और पूरा घर हमारा थोड़ा साफ करते तो चलो फटाफट लंच करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसा हमारा घर जो है। देखिए एकदम कैसा हो रहा है पूरा। तो ये जो घर की हालत है आपको बाद में दिखने वाली है, बहुत ही खूबसूरत है। नाजिम भी है, कैसे हो आप? हमारे घर में कलर होने जा रहे हैं। यहाँ सुमैया है, सलाम करो। आगे कंटिन्यू करेंगे, दिखाएंगे घर की हालत कैसी सही होने वाली है। आ चुका हूँ वहीं जो घर का मेन चीज होता है, वो होता है किचन। किचन में लगी पड़ी हाशमीन, इतना काम कर रही है मैं क्या बताऊं। आज उसका इन चार दिनों में कम से कम 6 किलो वजन कम हो चुका है। ज्यादा हो गया। हाँ मम्मी, ज्यादा हो गया वजन, ज्यादा हो गया। 6 किलो वजन कम हो चुका है। अब ये आप जानिए कैसे? वो तो खैर सभी करते हैं, थोड़ा ये साफ सफाई और थोड़ा जब ये घर में काम होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। एक्स्ट्रा बेचारी बहुत एक्स्ट्रा हो गया, क्या बताऊं मैं। सुम्मो की खाई सुन लो। हाँ बताओ। अल्लाह अल्लाह इनको एक अच्छी सी साइकिल दे दो। आमीन। दुआ मांगो और पप्पा के लिए दुआ करो। ये मेरी परी है, परी। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी लेकिन ये मेरी परी है। बेटी भी है, पोती भी है, जान भी है। कौन सा? हाँ वही कलर, अच्छा कलर है। ये जो कलर होने वाला है ना वो धमाल होने वाला है भाई, धमाल। एक ही कोट में आ रहा, गाड़ा ही मांग मार। सुपर सुपर सुपर, अच्छा लग रहा है। भारी है ना माल, तो इसी में आएगा। मुंह तो देखो आपका क्या हाल हो रहा है। कितना और डार्क होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, डार्क वाला आएगा खुद ही रूम उड़ी आएगा। पर ताहिर वो बीच का ना मर्ज कर उसको, वो जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना उसको बराबर कैलकुलेट, वो मतलब प्रॉपर आगे धार बना दूंगा। अच्छा कलर आया ना मुझे, वो कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा है ना, जब हो जाएगा ना इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा लगेगा। ये होता है, लेकिन जल्दी आपके सामने इसके बाद आने वाली है बहुत खुशखबरी, बहुत सारी अच्छी चीजें। तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बाद भी इतना सपोर्ट करिएगा, इतना प्यार प्लीज देते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। मेरा स्टाइल है। और ये हमारे पेंटर साहब कहाँ बैठ चुके हैं, देखिए। वाओ वाओ, ये असल में पेंटर नहीं है, ये है बंदर, ये कहीं भी चढ़ जाता है। हाशमीन तुम्हारा भाई बंदर है, क्या बोल रहे हो? हाँ मस्त शाइनी हो रही, मस्त हो रही, मस्त हो रहा था यार। तेरा हाथ ही अलग है यार, तेरी बात ही अलग है यार। ये वाली भी दीवार है ना पूरी, वो है बेचारा कर रहा है वो। पूरी बेकार है, मजबूत हो रही है, पानी पी हुई दीवार है। अभी तो अंदर से जब अंदर का स्टार्ट करेगा ना तो उसके बाद फिर यहाँ का करेगा तो ये सब हटा देंगे अपन, है ना, तामझाम में। ये हो रही है दूसरी, जिसे कहते हैं प्लस्टर टाइप हो रहा है, लेवल हो रहा है, लेवल। घर का काम कराना मतलब बहुत इजी नहीं होता है, आदमी इतना थक जाता है काम कराते कराते, क्या बताऊं मैं। चलिए आगे देखते हैं। और सबसे ज्यादा थकने वाली एक ही है, यहाँ खड़ी हुई है वो। क्यों थक रही हो? अभी मैं कपड़े धोता हूँ, इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे, अभी भी मशीन भरी हुई है।
वेरी गुड। तो अभी और कितने कपड़े धोने हैं आपको? पीछे से नाजिम देख रहे हैं। नाजिम क्या देख रहे हो आप? नाजिम की आज थोड़ा आज नाजिम की मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई है और घर की हालत तो आप देख रहे हैं कैसी हो गई है। हमारे घर की हालत पूरा ये देखिए। नाजिम तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है अभी। थोड़ा लेट जाओ ना आप। नहीं लेटना नहीं है, बैठा हूं। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो पता ही है। क्या तो ऑडियंस को बताओ क्या नया फोन आ रहा है? नया फोन आने वाला है मेरा। नया फोन आने वाला है। उसको भी उसको उसको अलग शॉट में वो करेंगे, दो अलग अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करेंगे ओके, मतलब दो ब्लॉग मिलेगा आपको। ओके डन डन। और ये हमारा भाई कर रहा है, क्या कर रहा है ताहिर, इसको क्या बोलते हैं? पुट्टी। इसको कहते हैं पुट्टी। मेरा एंड मम्मी खा रही हैं आज खाना नॉर्मल वेज। 6 महीने के बाद इसके पहले जो काम हुआ था खाली सीलिंग का काम हुआ था, जो 2 दिन लग गए सीलिंग में, एंड आज हो रहा है हमारा ताहिर कलर कर रहा है। और सुभान रेडी हो गया है। वेरी गुड सुभान, इधर आओ बेटा, जरा इधर आओ। वेरी गुड, कहाँ जा रहे हो आप? मैच खेलने फुटबॉल मैच खेलने। ओके, तो आप इधर काम हो रहा है घर में और आप फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हो। बाय बाय। एंड सुमैया हमारी डांस कर रही है। वाओ लवली। आप मेरे फ्रेंड्स को क्या बोलना चाहोगे? हाय फ्रेंड्स। तो सुम्मी खाएगी दादी के हाथ से खाना। खाना खाओ। वेज भाजी, मिक्स भाजी। सुमो आपको कैसा लगा मिक्स भाजी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं पापा का गला दब रहा है। अरे मैं वीडियो बनाती हूं ना। हां तो वीडियो तो आ रहा है, इसमें आप बोलो ना। चालू है? चालू है। मैं आपको करना है वीडियो। अच्छा तो क्या बोलना है पहले बताओ? नहीं पहले बताओ। आप पापा को कितना प्यार करते हो? कितना? आई लव यू बोलो। आई लव यू पापा जी। मेरे लिए कब लाने वाले हो? ओके आगे कंटिन्यू करते हैं, ऐसी धमाल होने वाला है। क्या क्या हो रहा है हमारे घर में? अभी चाचू का नया फोन भी आया है और उसकी अनबॉक्सिंग हम लोग करेंगे चाचू के साथ। और मिठाई भी नहीं दी है चाचू ने, खुशी के तौर पे मिठाई मिली जाती है, पर चाचू ने खुशी के टाइम पे कुछ दिए नहीं। और ये देखिए डैडी और ताहिर चाचू अभी कर रहे हैं बहुत अच्छा सा कलर। ये देखिए इतना प्यारा हो रहा है कलर। ये कितनी अच्छी डिजाइन है यहाँ पे, और अंदर भी कलर हो रहा है और बहुत ही मजा आ रही है। अरे बेचारे चाचू रो रहे हैं। और तुम्हें की नई साइकिल भी आई है कटोरा ले ले। और आज तो बहुत ही अच्छा दिन गया है। और क्या बताइए, चलिए आगे चलते हैं। घर का बहुत सारा काम अभी भी बाकी है और अभी आपको दिखा दो कितना बज रहा है। देखिए अभी 12 o'clock बज चुके हैं और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। अंदर का भी अभी भी बहुत सारा बाकी है, अभी करेंगे। और अभी सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, अभी बहुत ही नींद आ रही है सब लोग को। और अभी मैं आप लोग को ताहिर चाचू भी आए हैं, ताहिर चाचू की फैमिली भी आई है। हेलो कैसे हो? कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। और अभी दादी भी आएंगी। ये देखिए दादी, क्या कैसे हो दादी? बहुत नींद आ रही है दादी को, नींद आ रही है बहुत। और अभी आगे चलेंगे। हाँ, दादी को और भी कुछ बोलना है? ये है ना जो ये पोता मुझे बहुत परेशान करता है। कुछ नहीं। हाँ तो अभी मैंने आप लोगों को मिलाया सब लोग से, और जैसे कि मैंने ये बताया और पूरा कंप्लीट होने के बाद भी बताऊंगा, शायद 3 या 4 भी बच सकते हैं इसको होने में। चलिए आगे। तो देखिए पूरा यहाँ का कलर फिनिश हो गया है, माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये कलर।
और अभी ये सब कबाड़े ये सब अभी हटाना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी अंदर जाएंगे, अभी अंदर से बहुत सारा बाकी है, और बस अभी अंदर काम हो रहा है, वो आपको बाद में बताएंगे, अभी बहुत लोग अंदर है। चलिए आगे चलते हैं। तो पूरा कलर हो चुका है, अभी सब सामान भी सेट करना पड़ेगा यहाँ पे पूरा। देखो यहाँ पे भी कलर लग गया है, ये देखिए ऐसा लग रहा है एकदम ही अलग ही जगह आ गए हम लोग। यहाँ अंदर भी कुछ भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो भी मैंने आप लोग को बताया। ये तो अब अंदर भी हो गया है पूरा। क्या कहना चाहते हो पापा? क्या बोलूं बच्चा, देखो हैंड मेरे और ये मेहनत हमारी ताहिर और मेरी कितनी रंग लाई है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। और ये पूरा घर, ये जब कल पूरी तरह साफ हो जाएगा तो आपको एक पूरा घर का एक सुपर टूर कराएंगे। तो आपको बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा घर कैसा लगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा ताकि मेरा जल्दी से खुद का ऐसा घर हो। आमीन। तो अंदर का भी काम हो रहा है, हो चुका है ओके, हो चुका है। ये देखिए इसमें ऐसी डिजाइन बन रही है, मैंने बोला था बस ऐसी डिजाइन बने अंदर और बाहर ऐसी बने, तो दोनों मिक्स करके सबके पसंद की ऐसी बनाया दिए। ओह माय गॉड, मेरा टकला फट गया। एनीवेज ये देखिए एकदम खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेकिन कलर आपको कैसा लग रहा है? मेरी okay. हालत देखो, बाप रे। अरे नीचे खाली ये बना, यहाँ पे भी ऊपर वैसा कलर वलर करे अभी, और सब सामान सेट, और यहाँ हमारा खूबसूरत सा है हॉल। यहाँ पे एक ही लाइट है तो यहाँ पे अंधेरा लगता है, तो यहाँ पे भी लाइट लगाएंगे, और यहाँ पे ऐसे वीडियोस बना सकते हैं, और ऊपर से लाइट है ना तो वहाँ पे शेड पड़ता है तो एकदम अजीब सा लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हो गई है सुबह, और क्या बताऊँ आपको, बस नाश्ता करने बैठ रहा हूँ, और घर जो हमने सोचा था उससे भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ है, वो आपको हाशमीन बताएगी थोड़ी देर में। आइए नाश्ता कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बस थक गए हमारी हालत देख के। ये हमारा नाश्ता है, सुबह सुबह चटनी रोटी एंड ऑमलेट एंड ब्रेड एंड टी। थक तो गए, हालत देख के मालूम पड़ रहा होगा, लेकिन तो बहुत सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, तो प्लीज बने रहिएगा ब्लॉक बॉक्स में, ब्लॉक में बने रहिएगा। तो अब हम लोग उठ चुके हैं और नाश्ता वाश्ता करके एकदम, अभी मैं अभी फुटबॉल मैच खेल कर आ रहा हूँ। आज हमने बहुत ही अच्छा खेला है माशाल्लाह, और अभी आप देखिए सुबह का व्यू एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है नए नए घर में आ गए कहीं पे, और बाहर का भी व्यू, बाहर का व्यू देखिए। 11:30-12 बजे उठ गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हम लोग सोए थे, दो तीन बजे सोए थे हम लोग, और बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी। क्या बड़े क्या करें, काम करना ही पड़ रहा था। और ये भी देखिए टीवी के पास भी लगा दिए थे हम लोग ने, एकदम खाली खाली लग रहा था तो कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू।